इंसिडेंट, ठीक है, क्या पढ़ते हो? इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हो ना बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये हमारा बना एक्स वाई प्लेन, राइट, ये वाला। इस तरीके से फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इफ आई सपोज दिस इंसिडेंट रे इज ऑन द एक्स एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव लाइक दिस। कैन आई सपोज दिस इज वाई एक्सिस? ऑल्दो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, क्या है ये बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो क्या ये अब आपको एक प्लेन में नहीं लग रही है दोनों? अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल भी कैसे होगा? वो भी यहीं पर होगा। समझ रहे हो बेटा इस चीज को? तो ये है हमारा लॉ का सेकेंड पॉइंट, विच सेज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ आई बेटा ये बात? क्लियर हुआ क्यों हम ऐसा ये पॉइंट बोलते हैं? इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है। नाउ फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाती हूँ अभी, एंड देन वी सी कि क्या ये सही है। आपने की है ये एक्टिविटी क्लास में बेटा? हैव यू डन? नो चलिए फिर हम 1 मिनट देखते हैं। मैं चल ये देख पा रहे हो? थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर लू। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे बेटा इसके अंदर। ये मैंने मिरर लगाया हुआ है, दिस इज द प्लेन मिरर आई हैव प्लेस हियर, ठीक है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एज यू कैन सी आई हैव शोन यू टू एंगल्स, वन इज ऑफ 30 डिग्री एंड अनदर एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। वॉट हैपन इफ आई फॉल माई लाइट एट दिस एंगल, मतलब आई फॉल माई लाइट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन वॉट विल हैपन? आप उसके रिफ्लेक्टेड रे चेक करना कहाँ पर आ रही है, ठीक है। इट शुड मूव लाइक दिस, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। देख पा रहे हो? ये देख, थोड़ा सा मूव हो रहा है। अरे इसको पकड़ो 1 मिनट। ये देखो, अभी देखो, आर यू एबल टू सी? यस रिफ्लेक्शन वो कौन से एंगल से जा रही है? देखो सेम एंगल। सेम एंगल, एग्जैक्टली सेम एंगल। एंड इफ आई डू इट विथ 40 डिग्री, चेक, अगर मेरी इंसिडेंट रे 40 डिग्री पर है तो वो भी देखो बिल्कुल 40 डिग्री पर जा रही है। इज इट हैपनिंग? दैट इज वाई दिस लॉ इज देयर। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? तो जूम आउट करना है बच्चे। ये दोनों लॉ समझ आ गए बेटा अच्छे से? क्योंकि लर्न सबने कर रखे होंगे, दैट आई नो। अभी क्लेरिफाई हुआ कि क्यों ये दो लॉज बने हुए हैं लाइट के लिए? क्या हो गया? ला मैं सामने से देखो, कौन सा है ये? W नहीं हो रहा, काम कर रहे हैं। चलिए बेटा 2 मिनट सेल चेंज करने पड़ेंगे, रिमोट खत रुक गया। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा एक केस बताइए, अगर मेरा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, आई हैव अ प्लेन सरफेस। अच्छा यहाँ पर ही देखो 1 मिनट और,
ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल, राइट। अब ये नॉर्मल क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने समझा था। नॉर्मल क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई फॉल अ रे अलोंग द नॉर्मल, अगर मेरी रे मिरर के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही फॉल करे, 30 डिग्री पे फॉल ना करके कितने पे फॉल करे, 0 डिग्री पे, देन वी विल सी फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रे विल मूव, कहाँ से आनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे। अगर मैं नॉर्मली ऐसे लाइट डालूं इसके ऊपर नॉर्मल के थ्रू, देन रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी फिर, नॉर्मल 0 डिग्री, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा फिर, जीरो जीरो ठीक है। अभी हम चेक भी करते हैं कि क्या ऐसा है। देखो कहीं पे जा रही है रे, रिफ्लेक्ट होके क्या कहीं आ रही है, ये विजिबल हो रही है रिफ्लेक्टिव, वापस ऊपर हल्की सी आ रही है, बट वो मर्ज हो जाती है फिर, क्योंकि ऊपर से इंसिडेंट आ रही है नीचे से रिफ्लेक्टेड आ रही है, तो एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, बट कहीं और रिफ्लेक्शन निकलेगी, अगर मैं किसी एंगल पे फॉल करूं तो कहीं और जाएगी। इट मीन्स व्हेन द रेज फॉल अलोंग द नॉर्मल, ध्यान रखना बेटा अब इस चीज का, ठीक है। ये देखो ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे व्हेन फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, देन व्हाट हैपन, इट विल रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। बेटा एक मिनट, सेल चेंज हो रहे हैं रिमोट के, सेल इतना इसके जूम आउट ही नहीं हो रहे, राइट बच्चे। तो हमने यहां पर अभी तीन चीजें समझी, विद एक्टिविटी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड थर्ड थिंग हमने क्या समझी कि इफ द लाइट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल देन इट विल रिफ्लेक्ट अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल से ही जा रही है तो नॉर्मल पर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इज इट क्लियर। चलिए किसी का कोई डाउट बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, नो नो ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा वर्कशीट का, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट हाँ जी, और बी पार्ट क्या कह रहे हैं, अपियर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, एंड सी इज लिटरली इन्वर्टेड, एंड डी ऑप्शन इज सेइंग ऑल द अबव, सो ओके। ए थी संचिता, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लिटरली इन्वर्टेड, सर ले गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरली इन्वर्टेड, मैम शी इज लेफ्ट द स्कूल। मैं जिसका पूछूं वो लेफ्ट कर जाता है स्कूल। चलो हमराज फ्रॉम एटे, हाँ जी बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरली इन्वर्टेड, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, हाँ जी, लिटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है बच्चे, When the light right side appears left। अच्छा किसने बोला क्या, राइट का लाइट सुना आपको, नो अच्छा मिरर के, ठीक है बच्चे गो बैक टू योर सीट। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स व्हेन यू रेज योर राइट हैंड इन द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन मिरर में वो कौन सा हैंड अपीयर होता है, लेफ्ट। और लेफ्ट अपियर्स राइट एंड राइट अपियर्स लेफ्ट इन द मिरर। अच्छा कभी किसी ने ये देखा जब एम्बुलेंस
कैसे लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर? जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है? सीधा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है? कि मिरर इमेज लिखी होती है, ठीक है? एम्बुलेंस वर्ड की मिरर इमेज को एम्बुलेंस के ऊपर लिखा जाता है। व्हाई दिस सो? क्यों? कभी एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा आपको मिलेगा, ऐसे नहीं लिखा होता कभी भी। कैसे लिखा होगा? इसकी मिरर इमेज की फॉर्म में। और क्यों लिखा होता है? एनीवन कम इन फ्रंट ऑफ द माइक, जिसको पता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। 8 थे। गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे, बताइए। मैम बिकॉज अगर मैम एम्बुलेंस उसकी मिरर इमेज में लिखा होगा तो जो कार्स के मिरर होंगे वो उससे रिफ्लेक्ट करेंगे और वो सीधा उसमें दिखेगा कि एम्बुलेंस आ इमेज रही है. को, यस, उसकी इमेज को देखो हमारी। ठीक है बेटा, गो बैक टू योर सीट। हमारी जो इमेजेस बनती है ना प्लेन मिरर में, वो कैसे बनती है? लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। तो एम्बुलेंस अगर उसकी मिरर इमेज में लिखा जाएगा तो हमारे जो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए मिरर्स होते हैं, उसमें ये एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखेगा, ताकि हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। राइट बच्चे, क्लियर हुआ? अगर जिस जिस को नहीं पता वो लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाई एम्बुलेंस वर्ड इज रिटर्न, व्हाई एम्बुलेंस वर्ड इज रिटर्न इन इट्स मिरर इमेज, इन इट्स मिरर इमेज ऑन द व्हीकल्स, ऑन द व्हीकल्स। राइट बेटा, तो क्यों लिखा होता है? लिखो जरा इसका आंसर। बिकॉज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, बिकॉज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स लेटरली इन्वर्ट द वर्ड एम्बुलेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड द वर्ड एम्बुलेंस अपियर्स एंड द वर्ड एम्बुलेंस इज नाउ इजिली रीडेबल। ऐसे लिख लो बस। नाउ द वर्ड एम्बुलेंस इज नाउ इजिली रीडेबल। चलिए ठीक है बच्चे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लो बेटा एक बार। द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज डैश द ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम साइज, जो हमारे प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे लेट अस से दिस पेन इज ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ, देन द इमेज साइज इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। राइट, समझ आई ये चीज? आर यू एग्री विद दिस? आपको लगता है कि इमेज सेम साइज की होती है?
छोटी किस किस को दिखती है? ऐसा लगता है कि थोड़ी छोटी है, ऐसा होते हैं? किसी को भी नहीं लगता। हाँ जी बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज बनती है बेटा, ठीक है? बिल्कुल सेम साइज की बनती है, ठीक है? नाउ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द प्लेन मिरर। 10.2 सेंटीमीटर 10.2 सेंटीमीटर 10.2, राइट? क्यों होगा? और अगर आपको यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। समझ आया क्वेश्चन? ये क्या बोला मैंने? अब आपने इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बताना है। व्हाट इज द डिस्टेंस? कौन बताएगा? कैन एनीवन टेल? देखो, दिस इज योर प्लेन मिरर लेट अस से, एंड आप यहां पर हो और आपका डिस्टेंस 10.2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है? आपकी इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी एट अ सेम डिस्टेंस एंड ऑफ सेम हाइट। ये भी कितना हुआ? 10.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? 20.4 सेंटीमीटर। नाउ द डिस्टेंस इज 20.4 सेंटीमीटर। सो बी वेरी केयरफुल कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है? किस चीज के बीच में पूछा गया है आपसे, डिस्टेंस कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है? चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल इमेजेस। कहाँ पर देखी हैं आपने मल्टीपल इमेजेस? कभी देखी है मल्टीपल इमेजेस प्रैक्टिकली? कभी कभी कहीं पर देखी हैं? यस देखी है। कटिंग करवाने कौन कौन जाते हैं? काफी स्टूडेंट्स जाते हैं, सभी नहीं जाते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है? तो सलून जाते हो, पार्लर जाते हो, कभी किसी को देखा हो, पेरेंट्स के साथ गए होंगे, मदर्स के साथ गए होंगे। व्हाट यू हैव सीन देयर? काफी जगह पर क्या होता है बेटा, कि आई एम नॉट सेइंग कि सभी जगह ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर ऐसा होता है। जो सैलून्स होते हैं, मे बी आपकी बुक में भी डायग्राम हो, सैलून्स में क्या होते हैं कि आप बैठे हो मिरर के सामने, आपको अपनी इमेज दिख रही है और उसके साथ साथ अंदर अंदर और भी इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है? आपको अपनी एक मेन इमेज दिख रही है, उसके बाद छोटी 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 होती होती पीछे बहुत सारी इमेजेस दिख पा रही है। ऐसा तब होगा जब आप यहां पर तो बैठे हो और पीछे यहां पर आप बैठे हो, ठीक है? यहां पर आप बैठे हो और यहां पर कहीं पीछे एक मिरर और लगा हुआ, एक और प्लेन मिरर यहां पर लगा हुआ, तो उस केस में क्या होगा? आपको बहुत सारे इमेजेस विजिबल होंगी, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस, ठीक है? मैं ये आपको कल ट्राई करूंगी, आई विल शो द मल्टीपल इमेजेस एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है? क्लियर हुई ये चीज? मल्टीपल इमेज कितनी बनेंगी? ये जो दो प्लेन मिरर्स हैं, इनको जरूरी नहीं है कि हमने पैरेलल ही रखना है, जैसे कि सैलून में होता है कि यहां पर यहां पर। ये दोनों मिरर्स क्या है? पैरेलल। पैरेलल मिरर्स में एंगल कितना होता है बेटा? दो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बताइए जरा। मैथ्स चला लो थोड़ा, पढ़ा होगा ना इतनी। दो पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस में कितना होता है एंगल?
90 ठीक है, और अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं तो कितना एंगल होगा? 180 एंगल, एंटी पैरेलल नहीं बोला बेटा, 180 तो एक लाइन यहां होती है और एक लाइन यहां होती है, दे आर एंटी पैरेलल, देन द एंगल इज 180 डिग्री, एट दिस स्टेज द एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंड व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल द एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है, द एंगल इज 0 डिग्री, इट मींस व्हेन the lines are parallel, when the two mirrors are parallel, when the two mirrors are parallel, theta is 90 degree. When two mirrors are placed like this, ये भी एक mirror है बेटा, and ये भी एक mirror है, the angle between them, sorry 90 लिख दिया मैंने, 0 degree, then theta is 90 degree, ठीक है, is this clear? And when two mirrors are placed like this, then the angle between them is 180 degree. Rest of all the positions, क्या क्या angle बन सकते हैं? Like angle can be of 60 degree, angle can be of 45 degree, angle can be of 30 degree, 20 degree, 10 degree, कोई भी angle हम ले सकते हैं. बट दीज आर फ्यू स्पेसिफिक एंगल्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. मुझे नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, मुझे ये पता करना है कि अगर एंगल लाइंस या दो मिरर्स मेरे पैरेलल हैं, देन हाउ मेनी इमेजेस आई कैन सी. इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, देन हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, एंड रेस्ट अबाउट अदर एंगल सेम. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होते हैं, how we can find the number of images? 360 divided by theta minus 1. 360 degree divided by n minus 1. ठीक है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, आपने एक ही फॉर्मूला किया बट आपको पता है जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे. अच्छा, एक एंगल हम यहाँ पर और लेकर चलते हैं, 40 डिग्री का, 45 लिया, एक एंगल हम और लेकर चलते हैं, लेट अस से दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री. सबसे पहले हम जीरो का बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम 90 से शुरू करते हैं. इफ थीटा इज 90 डिग्री, यहां पे भी थीटा आएगा, थीटा इज 90 डिग्री, देन डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1, तो कितना आया बेटा, कैंसिल, 9 4 36 3 3 3. इसका सबका मुझे फाइंड करके बताओ, ये भी इन सब की वैल्यूज मुझे निकाल कर बताओ, n कितना आ रहा है. इस केस में तो n मुझे मिला 3, इस केस में n मुझे कितना मिलेगा? 1 1 1. इस केस में n कितना आएगा बेटा? 5 5 5. व्हाट अबाउट n इन दिस केस? 7 7 7. Seven. And what about n in this case? 8 8. Okay. चलो अब इसका मुझे बताओ n कितना आएगा? 8 infinite. इनफाइनाइट, ठीक है, एन की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी इमेज बनेगी, बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, वी कांट इवन सी देम कि कितनी इमेजेस बन चुकी हैं. इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस बनेगी, बाकी सब में एक नंबर फिक्स्ड है जो इमेजेस बना रहे हैं, बट हर केस में नहीं है. इसमें से जो लास्ट वाला केस है, इसका आंसर आप सबका रॉन्ग है, इट विल नॉट बी 8. द इमेजेस फॉर्म्ड आर 9 हियर. आई एम टेलिंग यू व्हाई. देखो, इन एवरी केस व्हेन यू डिवाइड 360 डिग्री बाय सम एंगल, यू आर गेटिंग एन इवन नंबर. देखो, अभी 9 फोर्स ना 36, 4 क्या था, एक इवन नंबर था, राइट?
फोर क्या था, एक इवन नंबर था. व्हेन यू आर गेटिंग इवन नंबर हेयर, यहां पर आपको एक इवन नंबर मिला, तब आपने उसमें से माइनस वन करना है. यू हैव टू डू सब्ट्रैक्ट वन. बट इन लास्ट केस व्हेन यू हैव 40 डिग्री, जीरो कैंसिल, फोर नाइन्स द 36, हेयर यू आर गेटिंग एन ऑड नंबर. क्या किसी भी केस में आपको ऑड नंबर मिला था सिर्फ लास्ट केस को छोड़कर? No. नहीं आया, नहीं आया ना. जब आपके पास ऑड नंबर आएगा देन आपने माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना. देन आप सिंपल इतना फॉर्मूला यूज करोगे, व्हेन दिस नंबर इज ऑड देन एन कैसे निकलेगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा. बस इतना ही करना है, इसमें माइनस वन नहीं लेना. ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, व्हेन एन इज ऑड देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय थीटा. व्हेन एन इज इवन, ठीक है, या आप कर लो 360 डिग्री बाय थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इज इवन देन एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 डिग्री थीटा माइनस वन. यहां पे भी यही कर लो, व्हेन 360 डिग्री अपॉन थीटा इज ऑड देन एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, और इसकी वैल्यू अगर इवन आई तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी ऐसे कैलकुलेट हो. ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आई हैव सीन इन द बुक्स ऑफ योर्स कि सभी एंगल में ऑड वैल्यूज ही आ रही थी, तो यू शुड नॉट क्रैम द थिंग्स बच्चे. ये अगर सॉरी इवन आ रही थी, अगर ऑड आती है तो आपने माइनस वन नहीं करना. द आंसर हेयर विल बी 9. राइट बच्चे, क्लियर हो गया सबको? यस. हाँ जी, फटाफट से एक्टिविटी 3 है जो हाउ मेनी मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म, इसका फिलअप करो जरा जल्दी से. और हाँ, इस केस में मुझे स्पेशली बताइए, आपका सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, व्हाई वी कांट गेट मल्टीपल इमेजेस इफ द टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट 180 डिग्री एंगल्स. यहाँ पर तो एक ही इमेज दिख रही है, इट मींस मैंने जब ऑब्जेक्ट रखा तो उसमें मुझे सिर्फ एक इमेज दिखी, जबकि मिरर तो दो है, एक ये वाला मिरर और एक ये मिरर. ये मिरर M1 और ये मिरर M2, मिरर तो दो थे बट इमेज मुझे एक ही दिख रही है, ऐसा क्यों? मैम रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस. ओके, कोई और बताना चाहता है? यस, एनीवन फ्रॉम 8D? बेटा मल्टीपल इमेजेस तभी दिखती हैं अगर रिफ्लेक्शन होगी, एक इमेज तब दिखेगी अगर कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी. आप अपने प्लेन मिरर में घर के सामने खड़े होते हो, घर में प्लेन मिरर के सामने, वहां पर आपको कितनी इमेजेस दिखती हैं अपनी, बताइए? वन. ठीक है, वन इमेज क्यों दिख रही है वहां पे, बिकॉज नथिंग इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वहां पर कुछ. रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, किसी और ऐसे सरफेस पे फॉल नहीं कर रहा जहां से आपको अपनी इमेज कहीं और भी दिखे. ठीक है, सो 180 डिग्री पर क्यों नहीं हुआ, एक ही इमेज क्यों बनी, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस. लिख लो एक ब्रीफ में आंसर लिख लो, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज नॉट अकरिंग. हो गया बच्चे? सो नाउ अगेन, नाउ वी आर डिस्कसिंग लिटिल अबाउट अबाउट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन क्या होता है?
और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? यस मैम, टाइम इज ओवर. टाइम इज स्टिल 10:30 आई थिंक. यस अभी तो 10:15 ही हुए हैं. कोई एक स्टूडेंट बोलो बेटा, समझ नहीं आ रहा ऐसे क्या बोल रहे हो. कैन वी कंटिन्यू? यस ओके. नाउ द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस कहां पर है? हु विल टेल मी? यस एनीवन फ्रॉम 8th इफ? 8th इफ सहज वीर. आ जाइए बेटा. यस व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं पता बच्चे? द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक तो बताया उसने. हाँ जी बेटा बोलो बोलो जल्दी बोलो. भाई जिसको सबसे ज्यादा हंसी आ रही है ना, हमने उससे पूछना स्टार्ट कर देना है. चलो गो बैक टू योर सीट बेटा. ठीक है देखो, रिफ्लेक्शन होती है एक सिंगल मीडियम में. रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल मीडियम. ठीक है, ये कौन सी क्लास की आवाज आ रही है बेटा? इतनी रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ सिंगल मीडियम. ठीक है, एयर में है. अगर इंसिडेंट रे मेरी एयर में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरी एयर में ही होगी. बट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन टू मीडियम्स. ठीक है, रिफ्रैक्शन तभी होगी अगर दो मीडियम होंगे, लाइक एयर एंड वाटर. एयर से अगर रे आकर वाटर के अंदर एंटर करती है, या एयर से कोई रे आती है और ग्लास में चली जाती है, तो वो क्या हो रहा है हमारा? रिफ्रैक्शन. ठीक है, बेंडिंग तो दोनों केसेस में हो रही है. यहां पे भी लाइट बेंड हो रही है. जब लाइट रे ऐसे फॉल कर रही है, वो स्ट्रेट थोड़ी जा रही है, ये भी तो बेंड हो रही है. बट यहां पर बेंडिंग जो होती है वो एक ही मीडियम में, अगर एयर है तो एयर में ही. बट यहां पर जो लाइट रे की बेंडिंग होगी, लेट अस से आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, यहां से जो रे आई दैट इज इन एयर. अब लेट अस से यहां क्या था हमारे पास? वाटर. अब ये लाइट रे क्या हो गई? बेंड हो जाएगी. अब एयर से ये लाइट रे कहां पर आई बेटे? वाटर के अंदर आई. तो वाटर में आना, यहां पे टू मीडियम्स आ गए हैं, एयर एंड वाटर, राइट? सो यहां पर जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, उसको हम, उस फिनोमिना को हम अभी क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन. अगर सेम मीडियम रहता तो रिफ्लेक्शन, अगर मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब जो ये दो मीडियम्स होते हैं, यहां पर ये लाइट रे बेंड क्यों हुई? हु विल टेल मी? सीधा ही क्यों नहीं चली गई? पानी ने कौन सा कुछ रोका? ये लाइट रे को कोई रोका? वो ऐसे भी तो जा सकती थी, लाइट रे ऐसे भी तो आ सकती थी सीधा सीधा. Because of change of speed of light in different mediums. Okay, reason क्या है? Speed. Main reason is speed of light change. अभी स्पीड ऑफ लाइट चेंज ही क्यों हुई? किसी ने पकड़ के उसको चेंज थोड़ी किया. चेंज क्यों हुई?
ये कौन बताएगा मुझे? देखो बच्चे, हर एक डेंसिटी यस स्पीड ऑफ लाइट चेंज ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, ये लिख लो बेटा कहीं पे, कल मैं आपको क्वेश्चन एक प्रॉपर फ्रेम करके लिखवा दूंगी इसका, ठीक है? डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मीडियम, ठीक है? यहाँ पे मीडिया हम किसको बोल रहे हैं? एयर, वाटर, ग्लास, इन चीजों को हम मीडियम बोलते हैं यहाँ पर, राइट? यहाँ पे लिख लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालो और फिर लिखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लिखोगे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट चेंज ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मीडियम। ये नहीं होगा। डन। अब मुझे ये बताइए विच मीडियम हैज लेस डेंसिटी, एयर और वाटर? एयर एयर, एयर हैज लीस्ट डेंसिटी। कभी भी ऑप्शन में आए कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ग्लास ग्लास की, ठीक है? मोर द डेंसिटी, यहां पे लिखो मोर द डेंसिटी, मोर द डेंसिटी लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट। मोर इज द डेंसिटी लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट। लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट लिख लिया है, मैं लिख दूं बोर्ड पे। Lesser is the speed of light, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ इस केस में स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा है, एयर में या वाटर में? एयर एयर। और अगर मेरे पास केस उल्टा होता, लेट अस से ये वाटर था, ठीक है? ये वाटर का केस था और अब नीचे एयर है, रे मेरी कैसे आ रही है? इस तरीके से। अब ये रे कहाँ जाएगी? दिस इज अ नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल होता है, ठीक है? नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही बनता है, यहां पर, ठीक है? अब ये लाइट रे कैसे मूव करेगा? इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है? और ये एक और ड्रॉ कर, इट विल मूव लाइक दिस और इट विल गो स्ट्रेट। कौन सा केस है, रेड वाला, डॉटेड वाला, ब्लैक वाला? ब्लैक। यस, एनीवन एल्स बताइए? इन दिस केस विच इज द राइट ऑप्शन, रेड वन, डॉटेड वन और ब्लैक वन? ब्लैक वन। ब्लैक, ठीक है? When the light, देखो यहां पर भी मेरे पास क्या था, नॉर्मल था, ठीक है? और ओरिजिनल पाथ इसका क्या था लाइट रे का? ये वाला डॉटेड लाइन वाला। बट ये लाइट रे कहाँ गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल, ये लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ को छोड़कर कहाँ मूव कर, कर किस तरफ मूव किया इसने? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में जब वाटर से लाइट रे एयर की तरफ आई, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ब्लैक लाइन मेरी क्या थी? ये वाली नॉर्मल।
और ना तो ये पाथ करेक्ट है ना वो वाला. अब देखो क्या हुआ, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर चली गई है. इस केस में नॉर्मल की डायरेक्शन में आई, उस साइड वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और यहाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, दिस बैंडिंग हैपन्स ड्यू टू द स्पीड चेंज इन डिफरेंट मीडियम. जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी ही लाइट रे बेंड होने के बाद टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी. यहां पर क्या था, वॉटर क्या था, डेंसर, एंड एयर क्या है, डेंसर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, रेयर है. रेयर. ठीक है, डेंसर का ऑपोजिट रेयर है. तो वॉटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर, राइट. सो द एयर लाइट रे इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इन दिस केस लाइट रे मूव अवे द नॉर्मल. ये दिख रहा है रेड वाला लिखा हुआ बेटा, विजिबल है रेड से लिखा हुआ. ओके चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस. हाँ एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लाइट टॉपिक का, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन का. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम? हाँ जी, डेंसर मीडियम इज वन इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एंड रेयरर मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. लिख लो, इन डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एंड इन रेयरर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. एंड सेकेंड क्वेश्चन भी देख लो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ए ऑप्शन ए है, बट वेव्स की जगह लाइट कर लीजिए बेटा वर्ड में, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज कर लीजिए इस वर्ड को. ठीक है, चलिए, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. Okay, bye everyone. Thank you so much, teachers. Bye, man.